सो फाइनली गाइस मैं अपनी फर्स्ट लॉन्ग राइड में निकल गया हूँ। और या लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो मेरी लॉन्ग राइड होने वाली है ये अपने होम टाउन के लिए होने वाली है। और मेरा होम टाउन ये पड़ता है अपना 500 किलोमीटर, बट वो जाता है 485 किलोमीटर समथिंग, मतलब फ्रॉम इंदौर। और अभी भाई मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 7:40। गाइस एक्चुअली मेरा जो टाइमिंग था निकलने का वो था 5 बजे का, क्योंकि थोड़ा सा रहता ना कि यार जितना जल्दी निकलो डेस्टिनेशन पर उतना जल्दी पहुंचोगे। जल्दी का मतलब ऐसा कि आराम आराम से जाओ, तो मेरा वही प्लान था 5 बजे मैं निकलता हूँ। लेकिन हुआ क्या, मैंने 4:40 का अलार्म लगाया और मैं भूल गया कि मुझे घर भी निकलना है। मैंने अलार्म को बंद किया और भाई जब मैं उठा मॉर्निंग में तो मैंने देखा कि 7 बज रहा है। ओह माय गॉड, मेरा ठीक है भाई, अब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो चलो ठीक है, यही टाइम सही। और वैसे भी कौन सा मुझे जल्दी है, घर ही तो जाना है, मस्त आराम से 50-60 में भी जाऊंगा तो शाम तक आराम से पहुंच जाऊंगा मैं, मतलब वही 6 बजे तक। तो सबसे पहले तो हम लोग निकलते हैं इंदौर के बाहर और मिलता हूँ मैं आपको हाईवे पे। और ये भाई पहला टोल, और यहाँ से हम लोग छोड़ देंगे इंदौर सिटी को और थोड़ी देर में आ जाएंगे हम लोग हाईवे के ऊपर जो कि सीधा लेके जाएगा भोपाल। जाओ 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 जाओ, तो ये मेरे साइड में जो आप देख रहे हो हाईवे, अगर आप यहाँ से राइट में जाओगे तो सीधे आप बॉम्बे के लिए निकल जाओगे और ये लेफ्ट में जाएगा आगरा। तो हमें आगरा के लिए निकलना है। तो आ गया है अपना हाईवे और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधे। और मैं जो अपना फर्स्ट ब्रेक लेने वाला हूँ, ये लेने वाला हूँ 100 किलोमीटर में, क्योंकि 500 किलोमीटर है ना, तो मैं कोशिश करूँगा भाई इसको 4 से 5 ब्रेक में ख़त्म करके और अपन पहुँच जाएंगे फिर अपने डेस्टिनेशन पे। तो पहले चीज़ें स्टार्ट करने से पहले यार बाइक को आगे रोक कर एक बार मैंने जो पीछे अपना बैग को बांधा हूँ उसको एक बार चेक कर लूँ, देन हम लोग आगे निकलते। क्योंकि बैग मुझे बंजी कॉर्ड का कुछ नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने बंजी कॉर्ड लिया हूँ और उसको एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। ओके या भाई, लुक तो शानदार है यार बाइक का। जिस दिन कहीं लॉन्ग टूर पे निकलो तो और भी मस्त लगेगी, बट ना नाउ लुक्स बेटर। ओ भाई देख रहे हो, पहाड़ काट के वाटर पार्क बना दिया यार उसको उनने तो। ओके तो अभी हम लोग आ गए भाई शिप्रा नदी, और जस्ट
वी आर क्रॉसिंग शिप्रा रिवर। सी निकलने से पहले मैंने घर में बात किया था कि मैं बाइक से आ रहा हूँ, तो घर में बोलते कि नहीं बेटा। फिर कल नाइट में मेरा फ्रेंड आया, तो मेरा फ्रेंड बोलता कि ये क्या कर रहा है भाई। मैं बोला भाई घर के लिए निकल रहा हूँ, तो बोलता है बाइक से। भाई मैंने बोला जब अगर मैंने बंजी कॉर्ड लाया हूँ, बैग अगर मैं बाइक में बांध रहा हूँ, तो ट्रेन से तो जाने से रहा ना मैं। तो बस बोलता अरे भाई बहुत रिस्क है। तो मैंने फिर पूछा भाई कि ये बता मैं किस चीज़ से जाऊँ, तो बोलता भाई ट्रेन है बस है। तो मैंने उसको यही बोला कि जो ट्रेन चला रहा है बस चला रहा है उस पर इतना भरोसा है, खुद की ड्राइविंग पे तुमको भरोसा नहीं है। तो क्या है भाई, मतलब ये दिन आ रहा है कि इंसान को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहा है। भाई रिस्क तो हर जगह है यार, तुम आज पैदल चलने वाला इंसान उसको भी रिस्क है। कितना कुछ कर लो भाई, जो लाइफ में लिखा है वो होगा ही। ये चीज़ मुझे अभी समझ आ रही है जो मेरे साथ हो रहा है ना। बट ठीक है, वो मैंने एक रील्स देखा था तो उसमें यही था कि हाँ भाई अगर दिन अच्छे चल रहे हो तो ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और दिन अगर बुरे चल रहे हो तो ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिन हमेशा नहीं रहेगा। मतलब कि जो दिन चल रहा है ना परमानेंट नहीं है, तो बस ना ज़्यादा खुश होना है भाई और ना ज़्यादा दुख रहना है। तो चलने दो लाइफ को जैसी चल रही है, क्योंकि ये गाड़ी चलाने वाला ऊपर वाला है और ये नीचे वाली गाड़ी चलाने वाले हम लोग हैं। तो लेट्स सी कि कैसे चलती है, बस इस गाड़ी को अभी हमें कंट्रोल करना है। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पूरा अपना देवास सिटी, और वो जो एक पहाड़ी दिख रही है ना वहाँ पे अपना मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर है। तो अगर हम लोग यहाँ से लेफ्ट साइड में निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे सिटी की ओर, और राइट साइड में निकले तो ये पहुँच जाएगा सीधे अपना भोपाल, और ये सीधे जो आपको हाईवे लेके जाएगा ये लेके जाएगा आगरा। यहाँ से लिखा है उज्जैन 40 किलोमीटर, रतलाम 141, आगरा 565 एंड मक्सी 32 किलोमीटर। तो मक्सी, आगरा और उज्जैन के लिए लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, और अगर रतलाम जाना है तो रतलाम के लिए सीधे।
क्या हो गया भाई दोनों को, क्या बोल रहा है, तेरे बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो यहाँ से रूट चेंज हो जाएगा अपना सीधे, यहाँ से हम लोग ले लेंगे राइट टर्न। तो अभी तो इतना है कि भाई अपनी जो बाइक है ये भोपाल होशंगाबाद तक तो क्रॉस इजीली हो जाएगा, क्योंकि मैंने पेट्रोल कल इसमें करवा लिया था 500 रुपीज़ का। हाँ यार एवरेज बहुत है भाई अपनी बाइक का। और भाई क्या हाईवे यार ये तो, ओ तम स्ट्रेट यार, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर बन गया है रोड ये। ये क्या चल रहा है अंकल का, स्टंट मैन। मतलब मैं अभी 50 किलोमीटर से जो आ रहा हूँ कंटिन्यू ना, ऐसा ही रोड है। थोड़ा यार थोड़ा क्या, बहुत हाईवे तो ऐसा है कि यार बोरिंग हो जाता है। ये चीज़ मैंने अभी तक, मतलब मैं जितने भी ब्लॉग्स देखता था ना लोगों के मोटर ब्लॉग, तो उसमें बोलते थे कि यार हाईवे बहुत बोरिंग होता है। हाँ और अभी फील भी हो रहा है कि यार सही में बोरिंग होता है, करना क्या, बस लगा दो तो और चलने दो बाइक, कुछ दिखाने का नहीं है। घाट होते तो वो भी बात अलग था, वो भी नहीं है तो क्या बताना है भाई। हाईवे में हाईवे हाईवे देख देख के क्या करना क्या है यार। छोटू तेरे को कैसे ले जाऊँ यार, कहाँ जाएगा भाई। अगर मेरे पास जगह होती तो पक्का तुझे बैठा लेता भाई। तो आज है शाजापुर है 27 किलोमीटर, ब्यारा 112 किलोमीटर। ओहो गाइस कैन सी विंडमिल, बज गया भाई ये कार वाला, अभी पलट जाती कार इसकी पूरी। पता नहीं क्या कर रहा था, मतलब पूरा रोड के क्रॉस में ऐसी ऐसी हो गई पूरी। क्या कर रहा था भाई, हाँ ऐसी ऐसी हो गई थी। अरे क्या हो गया था, बच गई आपकी गाड़ी, अभी लहर गई थी ना। वही मैं देखा आप पीछे। भाई बहुत बहुत बचा यार ये इंसान। आर्मी मैन, चार ट्रक जा रहे हैं भाई आर्मी के। यार यही है,
ला 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 ला। जय हिंद। बाय बाय। जय हो। ऑल इंडिया ट्रैवल ट्रैवलर। जय सर। जय हिंद। है भाई मुझे तो होता है थोड़ा गर्व। जय सर। बाय बाय गाइस। मुझे तो होता है भाई गर्व क्योंकि मैंने किया हूँ ना इसके लिए भाई। मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है यार। बट ठीक है, बोलते हैं कि जहाँ नसीब खींच के लेके जाता है वहीं सही था। शायद मेरा नसीब नहीं था तो नहीं गया। अगर मैं चला जाता तो आज इस वे पे नहीं होता मैं अभी। मतलब इस वे पे का मतलब कि मैं अभी ब्लॉगिंग नहीं करता कर रहा होता। लुक सडनली भाई हाईवे से स्टेट हाईवे। लेकिन वेट, ये सब हुआ कैसे? What was the reason behind this? तो एक छोटा सा टर्न भाई, मतलब क्या बोले यार, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, पूरा उनने रूट ही चेंज कर दिया यार। पूरा नेशनल हाईवे छोड़ के मैं किस हाईवे पे आ गया। एक NH50 या 54 था और एक NH4 जो कि एक भोपाल जाता है और एक जाता है रीवा साइड में, रीवा पन्ना। आई डोंट नो रिमेंबर दैट सिटी नेम एंड हाईवे नेम भी मुझे याद नहीं है। तो बस यही था भाई कि मुझे लेना था हल्का सा बस टर्न और मैंने ले लिया सीधे। मैं पहुंच गया दूसरे हाईवे पे। और मैंने सोचा क्या था कि मैं जाऊंगा सीधे देवास निकलकर अपना सीहोर होते हुए। बट सीहोर नहीं जाना, सीहोर बाईपास से लेता नसरुल्लागंज, नसरुल्लागंज से सीधे मैं निकलता रहटी, रहटी होते हुए होशंगाबाद। बट सब प्लान ही चौपट हो गया। बट ठीक है, कोई नहीं। यहाँ से अपना भोपाल अभी है 85 किलोमीटर और 25 किलोमीटर समथिंग में अपना नेशनल हाईवे लग जाएगा। तो फिर अगेन हम लोग अपने रूट पे आ जाएंगे। बट यार ये रूट में आने से पता है एक चीज़ बहुत अच्छी मिली कि जो हाईवे अपना बोरिंग था ना, वो बोरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यार पब्लिक है, खेत है, सारी चीज़ें यहाँ पे। तो
तो यार मैंने क्या सोचा था कि भोपाल जाते जाते तक पूरा रूट बोरिंग होने वाला है, बट नहीं, थोड़ा था इंटरेस्टिंग मिल गया है। बस इतना ये बोला जाए कि भाई ठीक है, हाईवे नहीं मिला लेकिन रूट बोरिंग नहीं रहा मेरा अभी तक। अभी तक तो बिल्कुल बोरिंग नहीं रहा। अभी बज गया है 11, ओके इट्स 11:30 और कंटिन्यू, मतलब मैं समझो मैंने एक आध जगह बस ब्रेक नॉर्मल लिया था पानी पीने के लिए बस, बाकी मैं कंटिन्यू बाइक चलाए जा रहा हूँ अभी। और बाइक चल गई है 6,985, मतलब जब से मैं निकला हूँ तो वहाँ से मेरी अभी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने एक ही ब्रेक लिया और एक ब्रेक में मैंने पूरा खींच दिया इतना लंबा। वाओ यार, मुझे भी इतना खुद पे मतलब भरोसा नहीं था खुद के ऊपर कि यार मैं ऐसा कर लूँगा कि अनलिमिटेड चलने दो चलने दो। और ऐसा भी फील, मैंने तो क्या सोचा था भाई पता नहीं कंटिन्यू मैं चला पाऊँगा नहीं चला पाऊँगा भोपाल तक, बट अभी भी मैं लिटरली बताऊँ कि जो मैंने सोचा था कि यार जिक्सर के साथ मुश्किल है राइड करना, नहीं मुश्किल नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि मुश्किल है भाई, मैंने देखा हूँ बहुत से लोग लद्दाख कर आए, स्पीटी वैली कर आए जिक्सर से। तो भोपाल में आपका स्वागत है, और स्वागत ऐसा हुआ कि 5 मिनट से लगा था, अब जाके ठीक हुआ GoPro। भोपाल ने भी बड़ा मस्त स्वागत किया है भाई, 5 मिनट से लगा था, 5-10 मिनट हो गया इसको हैंग हो गया। पहुंचना था 1 बजे और हो गया 1:15, 15 मिनट लेट। ओके तो गाइस, झीलों का शहर भोपाल में आपका स्वागत है। और जो इसकी एंट्री हुई है ना, बहुत ही धांसू हुई है भाई। राजा भोज विमानतल 1.3 किलोमीटर। धांसू एंट्री, मतलब आप देख रहे हो ये ओ मैन हंटर, लाल घाटी न्यू मार्केट। यार बाकी इसकी जो भाई हंटर की जो राइड पोजीशन है ना भाई, ऑसम यार। मेरे फ्रेंड ने लिया था तो मैंने एक ही बार चलाया उस बाइक को, मैं तो भाई दिल आ गया, मैंने बोला भाई इसमें तो बैठ के मैं अपने घर बिना ब्रेक लिए पहुंच जाऊंगा। ए क्या है, देख कहां रहा, चला कहां रहा है। वाओ ये कूल मैन, मतलब ये भोपाल
धीरे धीरे इंदौर को टक्कर दे रहा है। देख रहे हो सफाई सब, ऐसा लग रहा है इंदौर में घूम रहा हूँ मैं। ओ मैन, यार ये क्या, लाल घाटी इंदौर उज्जैन वीआईपी रोड, व्हाट इज दिस ब्रो। ओके लाइक आर्मी का कुछ है ये साइड में। सेफ ड्राइव, लॉन्ग लाइफ। या आई नो ब्रो, थैंक यू। और गाइज ये जो आप ऊपर में देख रहे हो ये शायद भोजपुर टेम्पल है, मुझे कंफर्म नहीं है बट हाँ वो ही है, ये भोजपुर या भोजपाल, भोजपुर टेम्पल। या यार ये मुझे सिटी के अंदर लेके आ गया क्या रोड। या अंकल गो गो गो, अब मोबाइल होल्डर नहीं होने का ये नुकसान है। अगर मोबाइल होल्डर होता तो मुझे बार बार नीचे नहीं देखना पड़ता और मैं सीधे अपनी डेस्टिनेशन पे निकल जाता, मिलिट्री स्टेशन। ओके तो ये जाना है सीधे, तो गाइस अब आने वाली है वीआईपी रोड। बस मुझे यही वाला थोड़ा सा, मैंने सोचा कि यार इस रोड पे पता नहीं मैं आ पाऊंगा कि, अगर मैं जिस रोड से मैंने सोचा था अगर मैं वहां से आता ना तो मैं इस साइड से आता ये रोड से, बट मैं आया इधर से। बट कोई ना भाई, आया मैं वहीं जहां मुझे आना था। बस ये व्यू जो है ना थोड़ा अलग है, क्यों, क्योंकि जब तो इसको नाम दिया वीआईपी रोड। यो चेक गाइस, एंजॉय। यो मैन, सी वाकई में यार ये मतलब पता नहीं, जो जो क्लीन सफाई है वो एग्जैक्ट आउटसाइड में है या फिर सिटी में भी है। बाकी यहाँ पे ना ये राजा भोज सेतु, वो मैन क्योंकि सफाई रियली में, अभी मैं जब लास्ट टाइम पे जा रहा था बस से जा रहा था तब मैंने देखा था भाई बहुत ज़्यादा बेकार था यहाँ पे, लेकिन अभी के टाइम पे सेम लुक्स लाइक अ इंदौर।
ये, ओ भाई कुछ की शूटिंग चल रही है मैन यहाँ पे। तो ये जो साइड में खड़ा है ना काफिला, शायद किसी ना किसी चीज़ की शूटिंग चल रही थी। ओह दिख रहा है दूर दूर तक भाई, पूरा वाइट है, पानी ही पानी। अरे यार ऑलरेडी आधा घंटे लेट हो गया हूँ मैं। हो ओके दैट रोड आई हैव टू टेक आई थिंक। यस 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 करेक्ट आई एम राइट। गो 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 वे या। और ये हेलमेट भाई दो दो तीन तीन पाँच पाँच सौ, सो डोंट बाय दैट हेलमेट। क्या है वो हेलमेट तो भाई कभी भूल के भी मत लेना जो रोड में आपको मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जितना डैमेज आपको नॉर्मली गिरने में होगा ना उससे कहीं ज़्यादा वो हेलमेट पहनकर गिरने पे होगा। क्यों? क्योंकि वो हेलमेट ऐसा है कि गिरने पे सीधे टूटेगा और टूटने के बाद जो उसका शेल है ना वो आपके हेड में जाएगा सीधे। तो पता है चांसेस ज़्यादा डेंजरस उसके है, या तो पहनो मत, और अगर पहन रहे हो तो एटलीस्ट यार 1500-2000 तक के तो हेलमेट पहनो। होगा डैमेज होगा, 2000 वाला भी डैमेज होगा, 5000 वाला भी होगा, बट उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। अच्छा ऐसे आप अगर कभी निकलो ना कहीं, मतलब पूरा प्रॉपर राइडिंग गियर या फिर प्रॉपर टूरिंग में, तो भाई लोगों का अट्रैक्शन तो होता है आप तक। भाई ये तो सही में यार बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ये देखो साइड में ये पूरा तो ये है गाइस हबीबगंज का रेलवे स्टेशन, जिसका नाम चेंज करके रानी कमलापति कर दिया है। और ये अपने इंडिया का पहला प्राइवेट स्टेशन था। ओह चेकिंग चल रही है। साइड में देख रहे हो रोड, इसमें कोई भी ना टू व्हीलर लेके जा सकता है ना फोर व्हीलर, ये ओनली साइकिल वालों के लिए, पैदल वालों के लिए। और अगर जिसको टू व्हीलर लेके जाना वो उस साइड में बना हुआ है, बट इंदौर में ये चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ वहाँ पे हो जाए तो भाई थोड़ा सा जो रहेगा ना एक और अपर लेवल पर चला जाएगा इंदौर। बाकी ये साइकिल का कल्चर भी आ गया है, ये यहाँ पे तो शायद बहुत पहले से है भोपाल में,
इंदौर में अभी अभी चालू किया उन लोगों ने साइकिल वाला। ओ मैन, ओ भाई ये क्या, कार, बाइक, बस। बट जब ये लोग वहाँ से जा रहा है तो व्हाई आई टुक दिस रोड। मुझे भी वो रोड लेना था। फिर ये बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। यार ये क्या, ग्लव्स पहनने की हैबिट नहीं है ना, अब वो हैबिट धीरे धीरे आएगी, जैसे आना जाना लगा रहेगा तो उस हिसाब से फिर हैबिट बनेगी। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार, अभी सिटी से निकलते उसके बाद फिर हाईवे पे मैं आता हूँ, फिर ग्लव्स को अगेन वेयर करता हूँ। या मेरे पास सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ ना तो हेलमेट और ग्लव्स, बस इन दो चीज़ों के अलावा नहीं है यार, बस लेना है बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार, पैसे ऐसे का भी बहुत वो चल रहा है अभी, तो इसीलिए फिर मैं वो कर दिया। ठीक है, जिस दिन ट्राई करेंगे यार, जब चैनल मोनेटाइज वगैरह हो जाएगा, थोड़ा बहुत दया भावना बरसने लगे आप लोगों की, तो फिर उसके बाद मैं देखूंगा लेने का। तो ये होता है पूरा भोपाल सिटी यहाँ पे एंड, और अब हम लोग इसको लीव कर आगे की ओर निकल रहे हैं। अब आएगा इसके बाद शायद क्षमते 20 किलोमीटर में मंडीदीप। पर यार एक चीज़ बहुत बेकार लगी मुझे, ये जो है ना, अच्छा ये रोकेगा मुझे, कि जैसे इंदौर में क्या है कि जो आई बस की जो रूट है ना, वहाँ खाली आई बस चलेगी, अगर कोई दूसरी बाइक गई तो भाई चालान फिर तुम्हारे यहाँ पे। यहाँ पे देखा मैंने हर कोई टू व्हीलर, फोर व्हीलर और वो सिटी बस सारी की सारी एक ही रोड में चल रही है। थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह थोड़ा सा फॉलो करो। तो अब आ गए हम लोग हाईवे पे और सीधे निकलना है यहाँ से पिपरिया। यार यहाँ पे इन लोगों ने ये बहुत मस्त बनाया ब्रिज, वाओ। भाई ये क्या है, क्या है पता है? देखो ले यार, पुलिस से बचने के लिए हेलमेट लगाओ और फिर उसके बाद पुलिस दिखी लगा लो, और पुलिस नहीं दिखी तो ऐसे रख लो। क्या इंसान है लोग यार।
हेलमेट बाइक में रखने के लिए होता है शायद, वो अभी पता चला, मैं देखा मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ हेलमेट का। मुबारक हो आप मंडीदीप में हो। तो 20 किलोमीटर का भाई कब हो गया पता ही नहीं चला, या सही में पता नहीं चला। ये सामने जो HEG देखा तब मुझे याद आया कि मैं तो मंडीदीप आ गया, और एग्जैक्ट 20 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा वो ये है ना हाईवे, नेशनल हाईवे के कारण पता नहीं चला। इसका सही यूज कर रहा है ना लोग पत्थरों का एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये क्या यहाँ पे अपने इंडिया के फ्लैग बना दिए, चूतिया इंसान है क्या ये लोग भाई। डस्ट लग रहा है उस पर, जरूरत क्या है वो करने की। तो यार मंडीदीप अगर, तब देखो यार MP में जो भी रहता है उनको तो चीज़ें पता है, बट अगर कोई बाहर से देख रहा हो तो मैं बता दूं मंडीदीप जो है यहाँ पे आपको पूरा इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज मिल जाएगी। इंडस्ट्रियल एरिया है ये पूरा, जहाँ देखो आपको फैक्ट्री। हाँ अगर आप लोगों ने कुछ ITI किया है, डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग से, मेरा मतलब ये है कि अगर आपका IT फील्ड नहीं है तो या आप लोग भाई यहाँ पे आ जाओ, आपको इतना एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्कर्स चाहिए इन लोगों को, वही है वर्कर्स चाहिए कम में बम। भाई गाइस देख रहे हो ये नेशनल हाईवे, किस टाइप का नेशनल हाईवे यार। अभी कब से 4 किलोमीटर से बस ये इसी नेशनल हाईवे पे चल रहा हूँ मैं। बस जल्दी ख़त्म हो जाए और कुछ नहीं। देखो साला कहाँ तक जा रहा है वो। एक्चुअली क्या है कि इसका काम चल रहा है नेशनल हाईवे का अभी ये। वाओ मैन। अच्छा ये लोग इन लोगों के लिए खाने के लिए देकर जाते हैं, मतलब हाँ मतलब कुछ जो बस वाले का तो नहीं, बट यार जो अपने ट्रक वाले होते हैं ना ये लोग का देखा मैं, कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं इन लोगों के लिए। बढ़िया है बाकी ये। यार ये कहाँ तक ऐसा मिलेगा रोड पता नहीं। ये आई थिंक मैं ना अभी बुधनी क्रॉस कर रहा हूँ, बुधनी का जो यहाँ पे घाट पड़ता है वो है।
और अभी जिस फॉरेस्ट में मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, इस फॉरेस्ट का नाम है रातापानी नेशनल पार्क, जो कि अपना होशंगाबाद इसमें पड़ता है। अरे यार मैन, ये लोग अलग परेशानी यार, तो कौन लाइसेंस बना के दे देता है सालों को। तो भाई आखिर 6 से 7 किलोमीटर के बाद अब जाके थोड़ा अच्छा रोड आया, पता चलेगा कि ये रोड कहाँ तक ऐसा जा रहा है, देखते हैं चलो। अरे यार अभी हो गया है 3:30 बज गए और मैंने अभी कंप्लीट कर लिया हूँ 350 किलोमीटर। यार हाँ पता है भाई, मॉर्निंग का निकला हूँ और अभी 350 किलोमीटर हुए, आराम से जा रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस अपने घर जाना है बस, इसीलिए अपन आराम से जा रहे हैं। और ये देखो भाई पूरा, ओ बढ़िया है यार, तो ये यहाँ से ये रोड जाता है गाइस बुधनी की साइड, और हम लोगों को सीधे निकलना है क्योंकि बुधनी में सिटी में जाने से मतलब नहीं है, बहुत टाइम हो जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे बहुत टाइम हो गया, तो इसीलिए बस पकड़ लिए। हाईवे बहुत मस्त है, आराम से उसको मैं 60-70 में डाल के छोड़ दो, गाड़ी सीधे चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए गाइस दिस इज द नर्मदा रिवर, ओ चेक भाई, बहुत शानदार ब्रिज बना दिया यार, हाय हाय। ओ खुदा, हाय 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 हाय, जय हो नर्मदा माई की। चेकिंग भी लगी हुई है, वाह। यहाँ से अंदर में पड़ता है अपना होशंगाबाद, तो और हम लोग को अंदर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई, बुधनी भी गया, होशंगाबाद भी गया और अपनी नर्मदा नदी भी गई। अब आएगा सीधे इटारसी का, हम लोग वेट करते और सीधे मिलते हैं, मैं आपको मिलता हूँ इटारसी के पास। ओके ओके, तो गाइस अब निकल गया है, इटारसी भी निकल गया है, जिस मतलब बाईपास के थ्रू हम लोग सीधे निकल रहे हैं। अब यहाँ से सीधा जाना है 53 किलोमीटर, क्योंकि यार सिटी में जाओ तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 4 बज गया है। तो अब आने वाला है सारनी, तो सीधे मिलते हैं आपको, मैं बस बताते जाता हूँ कि रास्ते में क्या क्या पड़ता है, और सीधे जैसे सारनी आता है तो मैं वहाँ पे आपको मिलता हूँ अब। ओके ओके, तो गाइस हो गया है पूरा 400 किलोमीटर कंप्लीट, और अभी टाइम हो रहा है 5:00 और भाई देखो सनसेट मेरे साइड में, ओए होए होए। ओके सो फाइनली गाइस अब आ गया है नेशनल हाईवे को बाय बाय बोलने का टाइम, क्योंकि अब यहाँ से हमको लेना है लेफ्ट टर्न जो कि जाएगा सारनी, और ये सीधा रोड निकल जाएगा बैतूल के साइड में, और सारनी यहाँ से पड़ेगा 32 किलोमीटर। यस सारनी घोड़ा डूंगरी एंड देयर आर लॉ, और अपना छिंदवाड़ा है यहाँ से 135, मतलब समथिंग लाइक मुझे जाना है 100 किलोमीटर, मतलब 110 किलोमीटर। ओके तो मिलते हैं आपको जस सारनी के पास, क्योंकि यार मैं भी क्या इतना मतलब आपको जंगल वगैरह है यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो इधर मिलते हैं आपको सारनी में, दिखा दूंगा कहाँ कहाँ से टर्न लेना क्या करना। ओके ओके
ओके तो गाइज अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं घोड़ा डोंगरी। घोड़ा डोंगरी जो आता है अपना सारनी के पहले आता है और ये उसका मार्केट है। तो बेसिकली बोला जाए तो ये एक नगर परिषद है, ना नगर पालिका है ना, और हाँ बस इतना ही है इसके बारे में, क्या बताऊँ मैं बस। और इसके बाद आने वाला है अपना सारनी जो कि पावर प्लांट के लिए फेमस है सारनी। चलो आप आपको वो भी दिखा देता हूँ सारनी। वेलकम टू सारनी। ओके सो वी आर एंटरिंग इन सारनी। सारनी इज नगर पालिका। ओके तो अभी हो गया भाई 5:50 मतलब 6 बजने वाला है, और 6 बजे मतलब अब यहाँ से अराउंड मुझे लगने वाला है पूरा 3 घंटे, और एक फ्रेंड है तो फ्रेंड से मिलते हुए जाना, तो ये समझो आधा घंटे वहाँ लग जाएगा, 3:30 घंटे 9:10 बज जाएगा जाते जाते। और मैं एक चीज़ और बता दूँ भाई सारनी क्यों फेमस है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सारनी है पावर प्लांट के लिए, यहाँ पे पावर प्लांट है जहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ओके तो गाइज ये जो मेरे सामने आप लोग देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा पावर प्लांट है। आप पता नहीं आप लोगों को यहाँ से हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ये देखना आप मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में एक चैनल गया ऊपर, तो इसके ऊपर से पूरा कोयला जाता है ये। ये मेरे सामने भाई इतनी बड़ी बड़ी चिमनियाँ बनी हुई है, और मेरे जो सामने आप ऊपर देख रहे हो ओम बनाओ, वहाँ पे एक मंदिर है जिनका नाम है मठार देव, उनका मंदिर है। और भाई सीधी चढ़ाई है वहाँ पे, कैसे कैसे ऊपर लोग जाते होंगे यार इतना खड़ी चढ़ाई पे। बट या नाउ वी आर लिविंग सारनी, एंड अब नेक्स्ट जो आने वाला है अपना ये आने वाला है दमुआ। सो दमुआ में रुकना है, फ्रेंड है उससे मिलना है, और थोड़ा सा यार ब्रेक भी लेना क्योंकि कंटिन्यू बाइक का अभी हो गया 230 किलोमीटर, मतलब ये भाई ऑलमोस्ट समझो 250 किलोमीटर बिना रुके गाड़ी चला रहा हूँ मैं, तो इसके लिए एक ब्रेक तो ज़रूर बनता है, नहीं तो भाई बाइक बोलेगी यार आज तो मेरी जान ले लिया रे मुंडे। ओके तो चलो मैं अब मिलता हूँ आपको सीधे दमुआ में। सो गाइज अभी हो गया है रात का 9 बजने वाला, 10 मिनट बचे 9 बजने के लिए, और मैं क्रॉस कर रहा हूँ जामई। जामई जो कि एक तहसील है छिंदवाड़ा के अंदर में पड़ता है, जो लोग छिंदवाड़ा से उनको इसके बारे में पता होगा, बट या ऐसा छोटी छोटी तहसीलें एंड छोटे छोटे गांव के नाम है जो कि नहीं पता, बट फिर भी मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ कि भाई हाँ किसके बाद क्या आने वाला है। तो कभी अगर आप लोग यहाँ से निकलो तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ये नाम मैंने कभी सुना हूँ। और यहाँ से अब पढ़ने वाला है सीधा मेरा होम टाउन परासिया। या भाई मैं तो पहली चीज़ तो यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्यों, क्योंकि घर जाना है। तो मैं अभी आपको मिलता हूँ सीधे परासिया में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ख़त्म होता है जामई और आगे कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैक ब्लैक है, तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मार्केट है, अच्छा है नाइट का माहौल, चेक करेंगे भाई कैसा है। गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ अब अपने सिटी में। एक्चुअली ये सिटी जो है मेरे घर से पड़ता है 3 किलोमीटर। ओ मैन ला 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 ला। अच्छा कमल की बटन दबाना।
ओके, तो ये सिटी जो मेरे घर से पड़ता है 2-3 किलोमीटर में, इसका नाम है परासिया और ये एक तहसील है छिंदवाड़ा ज़िले की। और भाई बोलते हैं ना यार, अपना होम टाउन होता है वो। ओह माय गॉड, इंसान को दो खुशी जो है ना वो कुछ अलग होती है। दो खुशी कौन कौन सी? एक अपने घर जाने की जो खुशी होती है वो, और सेम खुशी पता है एक और होती है, गैस करो या तो फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को, और वो होती है सैलरी आने की। जैसे जैसे सैलरी का डे लास्ट आता है, मतलब मंथ का लास्ट डे आता है, वैसे वैसे खुशी ऐसे होते जाती है भाई अब सैलरी आने वाली है। सेम अगर हम घर के लिए निकले तो जैसे जैसे घर पास आता है ना, तो यार मिलने की जो एक्साइटमेंट है ना घर वालों से, वो भी और होते जाती है। बहुत हार्ड। और ये है यहाँ का बस स्टैंड। अब ये मत बोलना भाई किस नज़रिए से बस स्टैंड लगता है, बट ठीक है इसको बस स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया, बोलते हैं तो बोलते हैं, आप भी बोलो बस स्टैंड। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखो ये पूरा हो गया अपना सिटी और लोग यहाँ से निकलते हैं, क्या होता है कि अपना काम कर जाते हैं। और ये देखो, ये मेरे राइट हैंड साइड में ये है मेडिकल, तो जितने भी लोग थक कर जाते हैं ना तो यहाँ आते हैं मेडिकल में, यहाँ से दवाई लेकर और फिर अपने घर के लिए निकलते हैं। So finally, I have reached at my home. और थोड़ा सा टाइम और, बस 2-3 मिनट मुझे लगने वाले, आपको नहीं लगेंगे क्योंकि आप तो भाई 10 सेकेंड में पहुंच जाओगे। ओके, तो ये है यहाँ से लेने का है लेफ्ट टर्न। ओ भाई इतना बड़ा ब्रेकर, ओ ओके। यार यहाँ पे पता है ये जो ब्लॉगिंग है ना, बहुत ही लोगों के मतलब लोग इसको ऐसा देखते हैं, भाई ये क्या है रियली में, मतलब इधर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं ना इस चीज़ का, तो इन सब का क्रेज तो यार बाहर पड़ता है अपने भोपाल इंदौर, और यहाँ थोड़ा सा अभी क्या चल रहा है मैं देखा हूँ अभी YouTube में, मैंने छिंदवाड़ा का भी सर्च किया था, तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं भाई ब्लॉगिंग में भी, बट यार आज नहीं तो कल हो जाएगा ये भी आगे। बट अगर मैं बात करूँ अपने परासिया,
तो मैंने यहाँ पे नहीं देखा किसी को भी थोड़ा जो कि थोड़ा भी प्रोफेशनल टाइप में करता हो कि लाइक जिसके पास GoPro, अरे यार ये क्या बोल दिया मैंने, जिसके पास GoPro हो सारे मतलब। तो यार GoPro ज़रूरी नहीं है भाई कि GoPro हो, बट कोई भी नॉर्मल कैमरा भी चलेगा, बट ऐसा कोई नहीं करता है, सबके सब मोबाइल से है। दो तीन लोग है मैंने देखा था अपने छिंदवाड़ा के, वो लोग करते हैं, ठीक है भाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, जल्दी ग्रो करेंगे सभी लोग। ओके सो यस, यहाँ पे खत्म होती है मेरी डेस्टिनेशन। यो चलो, इतना भी मैं मतलब क्या ठंड लग रही थी ना।